सांगानेर स्थित गायत्री भवन में रविवार को आयोजित संगत में पशुपतिनाथ मुहाना सिद्ध पीठ धाम के संत कमलेश जी महाराज ने भक्तों को संबोधित किया। अपने प्रवचन में उन्होंने प्रेम और संबंधों के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि परमात्मा प्रेम के भूखे होते हैं और उन लोगों को अधिक प्रेम करते हैं जो आपस में प्रेम करते हैं। उन्होंने कहा, संबंध बनाने के लिए सभी आतुर रहते हैं लेकिन संबंध निभाने के लिए कोई तैयार नहीं होता। इसके पीछे का कारण हमारे भीतर बैठा छोटा सा अहंकार है। संत ने जोर देकर कहा कि संबंध बनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है संबंध निभाना। इसके लिए परमात्मा का ध्यान रखना चाहिए जो हमारी हर भूल को बिना शर्त माफ करता है और यही सच्चा प्रेम है। साथ ही कमलेश जी महाराज ने आने वाली गुरु पूर्णिमा पर हर बार की तरह एक विशेष आयोजन करने की बात कही जिसमें समस्त प्रदेशवासियों को उन्होंने आमंत्रित किया। गुरु की महिमा पर बोलते हुए संत कमलेश जी महाराज ने कहा कि हमारे देश के ये संस्कार हैं कि पैदा होते ही माता पिता अपने बच्चों को गुरु के सुपुर्द करते हैं ताकि वो एक संस्कारवान व्यक्ति बने और अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। मीडिया से बातचीत करते हुए और क्या कुछ संत कमलेश जी महाराज ने कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। देश में या देश से बाहर में जितना भी लोग थे, जो भी धर्म के प्रति आस्था रखे थे या अपना गुरुओं के प्रति सम्मान रखे थे, तो ये देश की यह परंपरा रही थी हमेशा। ऐसे संस्कार पैदा होबा के साथ ही अपना माता पिता अपना बच्चा के मायने दिया थे कि उनका जीवन में आगे बढ़वा के लिए कोई ना कोई रूप में गुरु होना चाहिए और सबका कोई ना कोई गुरु हो चाहे, चाहे वो काम से संबंधित हो, अध्यात्म से संबंधित हो, पढ़ाई से संबंधित हो या सही मार्गदर्शक का रूप में कोई काम करो। गुरु को मतलब या कौन है कि जो माला पहली मठा बैठ गा या मंदिरा में पुजारी, यही नहीं। गुरु को मतलब सीधो छे जो भी जी का जीवन में बदलवा के लिए एक मार्गदर्शक का रूप में काम आयो वही वो व्यक्ति को गुरु होगो। इसलिए गुरु की परंपरा और शिष्य की परंपरा निभावा के लिए दोनों को बराबर को महत्व छे। शिष्य के लिए शिष्य की गरिमा और गुरु के लिए गुरु की गरिमा। इसलिए गुरु पूर्णिमा को पर्व हो छे। माँ का भी स्थान पर गुरु पूर्णिमा को पर्व हमेशा गुरु पूजा से व्यास से शुरू हो छे। लेकिन मैं वो कार्यक्रम ने या सब बता के लिए एक महोत्सव का रूप में, क्योंकि माने या शोक छे या मानो की माँ की या भावना रहे छे कि मैं सबने जी श्रावण चालू हो छे गुरु पूर्णिमा का दिन तो मैं सबने खीर खिलाओ। माने या एक मन में रहे छे कि माँ का स्थान से जुड़े रहा सब भक्त खीर खावे, तो मैं ई वजह से ई कार्यक्रम ने एक दिन दो दिन तीन दिन बाद में कोई भी ऐसी जगह करा चा जिन लोगों ने आबा में बैठवा में कोई भी तरीके की परेशानी न हो और ये आयोजन के लिए भजन संध्या में सब आनंद लेता रहे, एक दूसरा से मिल भी ले, जितना भी स्थान से जुड़े रहा लोग छे ई बहाने एक जगह पर सब एक दूसरा से मिल ले। और हमेशा ये बात को ध्यान रखवा के लिए सबने बोला था कि यह जो गुरु शिष्य की परंपरा छे यह परंपरा हमेशा, क्योंकि सनातन की आज सब बात करे थे और सनातन संस्कृति के लिए सबसे पहले सूत्र गुरु और शिष्य एक दूसरा ने समझ जाओला और शिष्य की परंपरा ने शिष्य और गुरु की परंपरा ने गुरु आपस में निर्वहन करता रहला तो पहलो संस्कार अंडर से अवश्य शुरुआत हो जाओ जो आबाड़ी पीढ़ी में युवा वर्ग में और बच्चा में अपना माता पिता दे पाओला तो फिर देश के लिए और पूरा विश्व के लिए इस संस्कृति ने आगे बढ़वा से कोई भी कौन रोक सके, यही मैं कहना चाहूँगा।